शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको सीधे ले चलेंगे करनाल, जहां अंत्योदय सम्मेलन में अमित शाह संबोधित कर रहे हैं इस सम्मेलन को। भारत माता की, मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा में ढेर सारे परिवर्तनों का सूत्रपात किया है, मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी, मेरे मित्र और हरियाणा के प्रभारी सांसद श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान कंवरपाल जी, बनवारी लाल जी, मूलचंद शर्मा जी, बहन कमलेश ढांडा जी, जेपी दलाल जी, कमल गुप्ता जी, संदीप सिंह जी, और आज यहां पर बैठे हुए सारे सांसद विधायक गण और हरियाणा के हर जिले से आए हुए इस अंत्योदय सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं, और आज तो मैं करनाल आया हूं महान दानेश्वरी वीर योद्धा अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि, देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर एक पर आता है, नंबर एक पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना, और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज पांच नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटकाकर, भटकाकर, अटकाकर रखा, हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है
कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को आग्रह। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 IIT बने, 7 IIM बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं, सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया पहुंचाकर लगभग 4,500 करोड़ रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 30 लाख से अधिक नल के कनेक्शन दिए गए, 85 लाख से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड और अब इसको चिरायु आयुष्मान भारत में 17 लाख लोग आज नए जोड़ने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया है। 7.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की है। 28,000 घर नए बनाए और 8 लाख
उज्ज्वला के कनेक्शन देकर हरियाणा को धुआं मुक्त प्रदेश बनने का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, ये गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है, यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं, और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है, और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल दोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना, महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना, सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना, और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है, और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है, और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है, और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं, और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है देश में, ये दूसरे नंबर में। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा जी को, हुड्डा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुड्डा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था, दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी, और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टों बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट से उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम, अभी अभी आपने देखा होगा चंद्रयान भारत का चंद्रमा पर पहुंच गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चंद्रमा कर चंद्रयान पहुंचा, हम सबको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोले, हुआ है या नहीं हुआ है? G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं, राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर
सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं, हर भारतीय का हृदय गर्व से हो जाता है। अरे हरियाणा तो दिल्ली से नजदीक है, मैं आप सभी को कहता हूं अब तो 1000 किलोमीटर घूमने की भी परमिशन मनोहर लाल जी ने दे दी है। ये नई पार्लियामेंट देखना भाई, अंग्रेज बनाकर छोड़कर गए थे, 75 साल तक किसी को याद नहीं आया। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ भी बनाया और नई पार्लियामेंट बनाकर समग्र देश का माथा ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आपका आशीर्वाद मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब तक किसी भी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा के मंच पर 33% माताओं को बहनों को रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, G20 की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समग्र विश्व में भारत की स्वीकृति लाने में सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जी को समग्र दुनिया और आज आशा और उमंग के साथ देख रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने से ही देश भर के सभी गरीब राष्ट्रों को एक नए नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखने का एक दृष्टिकोण मिला है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी, एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दो कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजाना, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडीय गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में थी,
सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया था। कितना दिया था बोलो तो भाई, 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में। और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है, 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया, 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है ना देश का विकास, विकास छोड़िए देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने पूरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये धारा 370 इतने सालों से अनारस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रखते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और राहुल बाबा भाषण करते थे खून की नदियां बह जाएगी, अरे राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये हरियाणा तो सेना के जवानों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों से एक मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से बननी चाहिए पूरे। करनाल से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं।